नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोगों की यही दिक्कत है कि वे अपने लक्ष्य के बारे में बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 22 नवंबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 नवंबर 2021 दिन सोमवार, आज की तिथि तृतीया, आज का नक्षत्र मृगशना नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:25 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:28 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 2 और शुभ रंग है हल्का हरा, नारंगी और सफेद। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि नौकरी या बिजनेस में सफलता का रास्ता ऐसे बनता है आसान, आप भी जान लीजिए। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने सफलता से जुड़ी कई नीतियां नीति शास्त्र में बताई हैं। चाणक्य की इन नीतियों को लोग अपनाकर आज भी नौकरी या बिजनेस में सफलता का मार्ग सरल बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से 3 प्रश्न करने चाहिए। पहला प्रश्न कि मैं यह क्यों काम कर रहा हूँ, और दूसरा कि इसका परिणाम क्या होगा, और तीसरा क्या मुझे इस काम में सफलता हासिल होगी। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जब इन 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाएं तभी अपना कार्य शुरू करना चाहिए। जानिए नौकरी या बिजनेस में सफलता पाने की ये नीतियाँ। नंबर 1, चाणक्य के अनुसार सफल होने के लिए व्यक्ति को कभी यह नहीं दिखाना चाहिए कि आपने उस काम के बारे में क्या सोचा है। अपनी राजनीति को गुप्त रखते हुए उस काम में सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि जब वह सताने लगे तो उसका समाधान खोजना चाहिए, मतलब वह लगने पर उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए और उसमें सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, चाणक्य के अनुसार कभी भूतकाल के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए इंसान को, ना ही भविष्य के परिणामों के बारे में सोचकर चिंता करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में ध्यान लगाता है और ऐसे व्यक्ति का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि बिना स्वार्थ कोई किसी का मित्र नहीं बनता, इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मरता है। व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और अच्छे परिणाम पाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना जरूरी है। नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा धर्म के रास्ते पर भी ही चलना चाहिए। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में आज आपको काफी आराम महसूस करेंगे। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। घर को सजाने संवारने के लिए आपको अपने खाली समय का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए आप परिवार से सराहना पाएंगे। रोमांस के लिहाज से आज अच्छा दिन है। शाम के वक्त आज आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बुरी बात बुरी लग सकती है और आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद ताज़ा हो सकती है, वही छेड़छाड़ आगे पीछे घूमना और इजाज़ गर्म आठ पैदा करेंगे।
आज का दिन आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई अच्छी फिल्म देखने से और बढ़िया क्या हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, कार्य स्थल पर सकारात्मक और सहायक विकास होगा। आज लाभ के लिए आप तत्पर रहें। लंबे समय से आप जिस काम को पूरा करना चाह रहे थे, आज वह काम पूरा हो सकता है। यदि आप आज घर से कहीं आपकी जाने की इच्छा थी, तो आज आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। पारिवारिक संबंध आनंददायक रहेंगे और परिवार में किसी के लिए पदोन्नति या बेहतरीन के तरीके रह सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। बच्चे आप पर गर्व करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आप दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहेंगे। नए अनुबंधों के द्वारा पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वित्तीय स्तर पर मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। युवा वर्ग को आज सफलता मिलेगी। सजग रहने से नुकसान से आप बच सकते हैं। बड़ों की डांट व फटकार से आपको पड़ सकती है। घर परिवार की व्यवस्था को उचित और कुशनुमा बनाकर रखें। अविवाहितों के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है। स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी। साथ ही आपको बताएं, पैसे को लेकर धैर्य रखें। पैसों की स्थिति में जल्दी अच्छा बदलाव आ सकता है। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम भी दिया जा सकता है। साथ ही आप अचानक आने वाली परेशानियों को और संकट से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज आप सफल रहेंगे। आप जिससे भी बातें करें, साफ और ईमानदारी से करें, आपके लिए फायदा रहेगा। साथ ही प्रियजन के लिए आप पर्याप्त समय निकाल पाएंगे। विपरीत लिंग में भी आप चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। पेट संबंधी रोग होने की समस्या बन रही है। मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। दूसरे लोग आपसे जो बात कहें, उन पर भरोसा ना करें। लोगों की बुराई भी करने से आपको बचना चाहिए। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से बचें। कई चीज़ों को लेकर आपके मन में चिंता और अनिश्चितता का भाव ही रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन घर परिवार तथा बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी कुछ न समय आप व्यतीत कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से जिस खास कार्य में विघ्न या बाधा आ रही थी, आज उसके पूरा होने की संभावना है। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना और निंदा भी कर सकते हैं, परंतु इससे आपका कोई भी अहित नहीं होगा। हालांकि चौकन्ना रहने की जरूरत है। किसी प्रकार की आवाजाही से आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही पति पत्नी के संबंधों में सुधार आएगा, परंतु युवा वर्ग प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, व्यवसायिक नजरिए से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कामयाबी की खुमारी में अपने कैरियर और व्यवसाय में किसी गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। कुछ राजकीय कार्य परेशानी और बाधा के उपरांत हल हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो दोस्तों, आपको अपने प्रेम जीवन में संभल कर चलना होगा, क्योंकि जरा सी बात भी बड़ी हो सकती है। उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है, और साथ ही आपकी प्रेम पाने की मुराद आज पूरी हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रियतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा दिन रह सकता है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं कि आज आप उनसे कहीं घूमने की कहें और वो जाने से मना करें, तो इस बात पर वे नाराज हो सकते हैं। इसके चलते आज आप अपनी बाड़ी पर संयम रखें, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं, जिससे आप दोनों में मन मुटाव की स्थिति देखने को मिले। तो दोस्तों, आप अपने प्रेमी प्रेमिका को समझें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। समय के साथ आपका प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज आपके गिरने व वाहन आदि से चोट लगने की संभावना बन सकती है, इसलिए आज आप अत्यधिक सावधानी बरतें। वैसे आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योग या व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।